of you were missing Gurugram Pichatani College Chakmanpilam Shri Vijayanand के YouTube channel में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो बीएड सेकंड ईयर का अनिवार्य विषय है पर्यावरण शिक्षा, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपने जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा था। तो पर्यावरण शिक्षा के अंदर तीन वीडियो इससे पहले मैंने बनाई है। तो इस टॉपिक में पर्यावरण के अंदर जो टॉपिक था अपना जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि, तो उसको मैंने तीन वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। तो आप इसके तीनों वीडियो अच्छे से देख लेना और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से कई कभी पेपर में आ जाते हैं। तो वो टॉपिक अपना जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कंप्लीट हो गया था। तो आज अपने पर्यावरण शिक्षा का ही अलग टॉपिक है दूसरा, ये शुरू कर रहे हैं। तो आज अपना जो विषय है वो पर्यावरण शिक्षा ही है, प्रकरण अपना है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के बारे में आज अपने पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा का क्या अर्थ होता है, मतलब अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं, अम्लीय वर्षा की क्यों होती है अम्लीय वर्षा। फिर अपने देखेंगे कि अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा होने से क्या नुकसान होता है। फिर इसके बाद अपने पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा को रोकने या कम करने के लिए अपने क्या क्या प्रयास कर सकते हैं या इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो ये तीन टॉपिक अपने इसके अंदर पढ़ने हैं अम्लीय वर्षा के अंदर। तो अपने पहले देखते हैं अम्लीय वर्षा का अर्थ क्या होता है या अम्लीय वर्षा जो है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आपको ये पता है कि नाम से पता चल रहा है अम्लीय वर्षा, वर्षा का मतलब बरसात होती है जो, तो अम्लीय वर्षा अम्लीय शब्द जुड़ गया वर्षा के पहले। इसका मतलब अमल जब बरसात के रूप में जमीन पर या पृथ्वी पर गिरेंगे तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो जब भी कोई अमल जो है, ठीक है, एसिड जो है वो बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरता है या जमीन पर आता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। अब कोई भी अमल है वो बरसात के रूप में जमीन पर कैसे आ सकता है, मतलब बरसात के रूप में जो बादल बनते हैं वो बादल जो होते हैं उनके अंदर पानी होता है और पानी जो है बादलों से बूंदों के रूप में जमीन पर आता है जिसे अपने बरसात कहते हैं या वर्षा कहते हैं। तो उन बादलों के अंदर से जो पानी आता है फिर अमल बरसात के रूप में कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि बादलों के अंदर अमल नहीं बनते, बादलों के अंदर पानी होता है। बादलों से जब जल कणिकाएं मतलब पानी के छोटे छोटे बूंदे जमीन पर आ रही होती हैं तो रास्ते के अंदर कुछ गैसें होती हैं, ठीक है, वायुमंडल के अंदर रास्ते के अंदर कुछ गैसें हैं वो जल की बूंदों के साथ मिल जाती है, अमल सॉरी गैसें मिल जाती हैं और गैसें जब पानी के साथ मिल जाती हैं जो जल की बूंदें आ रही हैं उनके साथ मिल जाती हैं तो मिल करके फिर एक अमल बनाती हैं दो तीन प्रकार के, और वो फिर अमल जब जमीन पर गिरते हैं तो अपने उसे अम्लीय वर्षा कह देते हैं। अब इसमें मुख्यतः आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा के अंदर दो अमल हैं, एक तो होता है अपने सल्फ्यूरिक अमल H2SO4 और एक होता है नाइट्रिक अमल HNO3। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अमल है, इसको तो कहते हैं सल्फ्यूरिक अमल और इसको कहते हैं नाइट्रिक अमल, नाइट्रिक अमल। तो ये दोनों अमल जब बरसात के रूप में जमीन पर गिरते हैं पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब ये दोनों अमल बनते कैसे हैं, मतलब बरसात के रूप में जमीन पर आते हैं तो ये बादलों के अंदर तो नहीं होते, बादलों के अंदर तो पानी होता है, जल की बूंदें होती हैं, उन जल की बूंदों से ये अमल कैसे बनते हैं। तो अपने को इसके लिए याद रखना आपको कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल के अंदर जब कभी भी दो गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक तो
CO2, ठीक है, दूसरी है SO2 और तीसरी है NO2। ये गैसें वायुमंडल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये तीनों गैसें ही अपने पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तीनों के प्रभाव को देखते हैं। अब जब ये वाली गैस, मान लो कि बादल जो है, बादल के अंदर से जल जो है वो निकलेगा, बादलों से जल की बूंदें निकलेगी, ये जल निकलेगा और जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है, बादलों से जल की बूंद निकली, उसमें जल की बूंद का सूत्र है H2O। और वायुमंडल के अंदर मान लो कि ये गैस पड़ी है H2O, ये गैस वायुमंडल में जब ये जल की बूंद वायुमंडल से आ रही होगी तो H2O गैस इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो अम्ल बन जाएगा H2SO4। ऐसे ही जब मान लो बादल है और बादल से जल निकल रहा है, मतलब जल की बूंदें आ रही है बादलों से निकल के पृथ्वी पर, तो जल के लिए H2O जल का सूत्र प्लस, इसके साथ मान लो वायुमंडल के अंदर NO2 गैस पड़ी है बहुत ज्यादा होगी वायुमंडल में, तो ये NO2 गैस वायुमंडल में जो पड़ी है जल के साथ क्रिया करेगी, तो अम्ल बन जाएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये दो अम्ल बनते हैं इस प्रकार से। इन दोनों अम्लों के बारे में हमने बात की कि जब भी बरसात के रूप में पृथ्वी पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल गिरते हैं तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल H2SO4 और HNO3। अब ये अम्ल बनते कैसे हैं, तो आपने ये लिख देना है कि जब भी वायुमंडल के अंदर SO2 NO2 गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये गैसें वायुमंडल के अंदर जल वाष्प से क्रिया करती हैं, जल वाष्प मतलब जल से, तो जल वाष्प से ये गैसें क्रिया करती हैं, तो क्रिया करने के बाद जो SO2 गैस है वो तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और NO2 गैस है वो नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब जब ये अम्ल बरसात के रूप में जमीन पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो उसे हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। ये कंप्लीट परिभाषा है, इसलिए अगर लिखनी हो तो अम्लीय वर्षा के लिए कहते हैं, तो कंप्लीट परिभाषा ये लिखनी है आपने कि वायुमंडल में जब भी NO2 और SO2 गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प मतलब बादलों से जो पानी की बूंदें आती हैं जल वाष्प में क्रिया करती हैं और दो प्रकार के अम्ल बनाती हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये अम्ल जमीन पर पृथ्वी पर बरसात के रूप में गिरते हैं तो उसे हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। तो अम्लीय वर्षा के अंदर दो अम्ल आपको अच्छा थे इनको ध्यान रखना, याद रखना है, ये जो है अम्लीय वर्षा का अर्थ है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अब इसके बाद अर्थ के बाद है अम्लीय वर्षा के कारण। अब कारण के अंदर कारण तो यही है कि दो गैसें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये गैसें क्यों बढ़ती हैं, इनके बढ़ने के रीजन क्या है, कारण क्या है, ये अपने को देखते हैं। तो इसके अंदर हम जो देखेंगे अम्लीय वर्षा के अर्थ के बाद, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है, पहला अम्लीय वर्षा का अर्थ, दूसरा है अम्लीय वर्षा के कारण, क्या क्या कारण होते हैं अम्लीय वर्षा के। तो इसके अंदर आपने ये बताना है कि मुख्य रूप से जो अम्लीय वर्षा है इसके अंदर गैसें हैं, ठीक है, सर्वाधिक महत्व गैसीय कारक है। एक तो इसमें SO2 NO2 ये दो, और एक इसके अलावा NH3 भी होती है, अमोनिया गैस, ठीक है। और अब इस SO2 को क्या कहते हैं, सल्फर के ऑक्साइड,
ठीक है। SO2 को अपने कह दिया सल्फर की ऑक्साइड, तो NO2 को अपने कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो देखी है इसको कहते हैं अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये तीन चीजें अब कार्ड के अंदर आपको ध्यान रखनी है कि एक तो SO2 गैस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिसको हम सल्फर की ऑक्साइड भी कहते हैं, दूसरी गैस NO2 गैस जिसे हम नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी कहते हैं, और तीसरा अमोनिया गैस। ये तीन मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा के। ठीक है, अम्लीय वर्षा के तीन ही मुख्य कारण है। तो अपने आप देखेंगे कि ये मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड क्यों बढ़ जाते हैं, इनका स्रोत क्या बनने का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कब बढ़ते हैं, मतलब किन क्रियाओं से सल्फर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनते हैं, वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती है, और अमोनिया गैस है, ठीक है, ये कैसे बढ़ती है वायुमंडल में, फिर ये तीनों जो अपना प्रभाव अम्लीय वर्षा के रूप में दिखाते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जिसको अपने सल्फर की ऑक्साइड कहते हैं। अब ये जो गैस है मुख्यतः कोयले में खनिज तेल 40 संयंत्रों से निकलती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भी सल्फर गैस है, जितना भी ये जो डीजल पेट्रोल ठीक है से वाहन चलते हैं, ये सभी वाहन जब डीजल पेट्रोल से चलते हैं और इनके इंजन की जो क्षमता है फ्यूल को यूज करने की जब वो घट जाती है, इंजन मतलब उनका जब खराब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो कच्चा धुआं निकालने लग जाते हैं। कच्चे धुएं का मतलब वो जो ईंधन उनके अंदर डाला है, अपने तेल डाला है, डीजल पेट्रोल डाला है, वो पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाते, आधा जला हुआ तेल या पेट्रोल डीजल वो क्या करते हैं धुएं के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, पूर्ण क्षमता से उसका यूज नहीं कर पाते, तो वो फिर जब धुएं के रूप में वाहनों से धुआं निकल जाए, आधा जला हुआ डीजल पेट्रोल निकलता है, तो उसे के अंदर क्या होते हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः सल्फर के ऑक्साइड इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, वाहनों से जो निकलते हैं धुएं उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोयला, कोयला जहाँ भी जलाया जाता है या यहाँ भी यूज किया जाता है कोयला, तो उस कोयले को यूज करने के बाद, कोयले को जलाने के बाद भी सल्फर के ऑक्साइड या SO2 गैस जो है निकलती है, मतलब इसकी मात्रा वहाँ एनवायरमेंट के अंदर बढ़ती है। तो दो स्रोत हो गए अपने पास वायुमंडल के अंदर इस गैस के बढ़ने के, एक तो डीजल पेट्रोल जलाने से वाहनों से धुएं के रूप में निकलती है ये गैस, दूसरा कोयला कहीं पर जलाया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है, तो वहाँ भी SO2 गैस जो है निकलती है और वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार कोयला और खनिज से संबंधित जो संयंत्र है इनका जहाँ भी मतलब इनको चलाया जाता है वहाँ इस गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे विद्युत उत्पादन के लिए कोयले संयंत्र लगाए जाते हैं, जैसे अपने सूरतगढ़ या राजस्थान के अंदर गंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है कोयले से। ठीक है, सुपर थर्मल पावर प्लांट है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन करता है, 6 इकाइयाँ हैं शायद उसके अंदर चल रही है, ये हो सकता है 7 हो गई हो, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो उन इकाइयों के अंदर कोयले से बिजली बनाई जाती है। अब जब कोयला वहाँ यूज किया जाएगा तो उस संयंत्र से बिजली बनाने वाले से SO2 गैस भी वहाँ निकलती है, तो ये इसका कारण है। कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, यही गैस चिमनियों से निकलने के बाद हवा द्वारा बाहर ले जाई जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। जैसे जैसे गैस हवा के साथ बढ़ती है उसका कुछ भाग पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब ये गैस बनेगी SO2, ठीक है, ये गैस SO2 बनेगी और ये मिलेगी वायुमंडल के अंदर। जब ये वायुमंडल के अंदर मिलेगी तो कुछ भाग तो इसका पौधों के अंदर चला जाएगा, पौधे इसका अवशोषण कर लेंगे, ठीक है, और कुछ भाग इसका जड़ वायु से क्रिया कर लेगा और H2SO4
या सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। ठीक है, ये गैस आई कहां से, इसके स्रोत क्या थे, कोयले के जलने से, कोयले का जलना। ठीक है, इसके अलावा कोयले के जलने के अलावा वाहनों से जो धुआं निकलता है उसके अंदर भी ये होती है। तो ये ऐसे तो गैस है कोयले के जलने से या फिर वाहनों के अंदर डीजल पेट्रोल जलता है तब तब, तो ये गैस बनती है, ये वायुमंडल में मिल जाती है, वायुमंडल से कुछ भाग इसका पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो शेष भाग है वो जलवाष्प से क्रिया करके एक्सोथर्म अम्ल का निर्माण कर देता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका प्रभाव है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह गैस हवा में उपस्थित नमी से क्रिया करती है या पुनर्वितादी संतुलितों को बनाती है। दूसरी, अब सल्फर से अपने क्या किया, सल्फर के स्रोत बढ़ लिए, वायुमंडल में आई संतुलित अम्ल बन गया। अब अमोनिया गैस NH3 जो है अमोनिया गैस है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अपने जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या लिक्विड के रूप में पानी, इसके अलावा और भी जो पदार्थ लेते हैं, मतलब अपने जो भी पोषक पदार्थ जो है ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो उन सभी पदार्थों का शरीर के अंदर जो है पाचन होता है, अंतों के अंदर भोजन को अमाशय के अंदर और अंतों के अंदर पचाया जाता है। पचाने के बाद अपने भोजन से एक अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं अमोनिया। बहुत ही हानिकारक और विषैला पदार्थ होता है ये अपने शरीर में बनता है। और बनता कब है, जब अपने पोषण ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन खाते हैं, भोजन के अंदर पानी भी आ जाता है और भी कोई लिक्विड जो भी अपने चीज अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो वो सारा पोषक पदार्थों के अंदर ही आता है। इन सभी चीज़ों का शरीर के अंदर जब पाचन होता है, तो पाचन होने से हानिकारक पदार्थ या विषैला पदार्थ बनता है अमोनिया। लेकिन अपने शरीर के अंदर लीवर या यकृत लगा होता है अंग, जिसको अपने यकृत कहते हैं या लीवर कहते हैं, वो लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिया कम हानिकारक पदार्थ है, अमोनिया ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, इसलिए अपना लीवर अधिक हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है और फिर अपने शरीर से यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब अपने शरीर से जो यूरिया बाहर निकलती है मूत्र के रूप में, वो भी अमोनिया से ही बनी है। इसका मतलब यूरिया जो है ये अमोनिया का एक पार्ट होता है। अब अमोनिया जो गैस है, अगर ये वायुमंडल में उपस्थित है तो कुछ अम्ल इससे भी क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना देते हैं। ठीक है, अगर अमोनिया वायुमंडल में उपस्थित है तो कुछ क्या करेंगे, अम्ल इस गैस से क्रिया कर लेंगे। ठीक है, कुछ अम्ल इस गैस से क्रिया कर लेंगे और क्या बन जाएगा, अमोनियम अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अमोनिया जो गैस थी वायुमंडल में आई, वायुमंडल के अंदर कुछ जो थे अम्ल पड़े थे उनके साथ इसने क्रिया कर ली और अमोनियम सल्फेट जो एक पदार्थ बना दिया है। वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यह रसायन कण और वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। मतलब अब ये अमोनियम सल्फेट है ये हानिकारक पदार्थ है, ये क्या करेगा, पानी के अंदर घुल जाएगा और अम्ल का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो यह भी एक अम्लीय वर्षा का भाग हो जाएगा और बरसात के रूप में या अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर गिरेगा। अब तीसरा है इसका नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से आते हैं, इसके स्रोत एक तो यही स्रोत है कि वाहन जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसके अंदर SO2 गैस भी होती है मुख्यतः, और उसके अलावा NO2 गैस भी उस धुएं से निकलती है। उद्योग धंधे जो चलते हैं उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके अंदर भी NO2 गैस होती है। ठीक है, ये स्रोत है इसके NO2 के। इसके अलावा अनेक प्रक्रियाएं जैसे कोयले तेल या प्राकृतिक गैस का जलना, कोयले के जलने से हमने पढ़ा था सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, तो कोयले के जलने से NO2 के ऑक्साइड भी बनते हैं। ठीक है, मतलब जो इसके स्रोत से दोनों वो इसके स्रोत भी है, NO2 के भी, कोयले के जलने से ये गैस बनती है, ये भी बनती है, NO2 भी बनती है, डीजल पेट्रोल वाहनों में जलने से धुआं निकलता है उसके अंदर भी NO2 भी होती है, और प्राकृतिक गैस के जलने
जो गैसें हैं दोनों ये प्राकृतिक गैसें हैं, इन गैसों के जलने से भी अंदर टू गैस निकलती है। जैसे अपने घरों के अंदर सिलेंडर से चूल्हा जलाते हैं, जो सिलेंडर का यूज करते हैं अपने, तो वो जब चूल्हा जलता है उसमें से जब आग निकलती है उसमें से भी अंदर टू गैस उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है गैस के जलने से। वो एलपीजी गैस है अपने जो यूज करते हैं घरों में, तो उससे भी एनओ2 निकलती है और वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है गैस विद्युत शक्ति केंद्रों तथा तेल शोधक कारखानों से भी पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं। गैस विद्युत शक्ति केंद्रों और तेल शोधक कारखानों, जैसे आपको पता होगा कि जब जमीन में से डीजल पेट्रोल कोयला निकाला जाता है, तो डीजल पेट्रोल जो है या मिट्टी का तेल है जमीन में से निकाला जाता है, तो ये अलग अलग निकलते हैं। एक गाढ़ा तेल होता है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम, उस गाढ़े तेल के अंदर सारे घटक भी होते हैं, उसमें डीजल भी होता है, उसमें पेट्रोल भी होता है, उसमें मिट्टी का तेल भी होता है, उसमें ग्रीस भी होती है। तो फिर उस गाढ़े तेल को कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब शुद्ध किया जाता है तो उसमें से फिर गैसें निकलती हैं, तो वो तेल का शुद्धिकरण है, शोधन है। ऐसे जब गैसें निकलती हैं एलपीजी और सीएनजी जो गैसें, इनका भी फिर शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, इनको सिलेंडरों में भरा जाता है। तो वहाँ जो कारखाने हैं ये वाले, इन कारखानों से भी एनओ2 गैस जो है उत्सर्जन होता है, मतलब ये गैस निकलती है। अब वायुमंडल के अंदर जब ये गैस मिल जाती है ऑक्सीजन से और नमी से क्रिया करती है और क्या बना देती है ये वाली गैस एनओ2 गैस। अब एनओ2 जो गैस है ये क्रिया करेगी जल से और बना देगी HNO3 अम्ल, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है इनका स्रोत अपने क्या बना, कोयले के जलने से, कोयला जब जलता है उससे, फिर इसके बाद जो डीजल पेट्रोल के वाहन है इनसे, इनके जलने से ये कोयला जो है जब जलाया जाता है, डीजल पेट्रोल जब जलता है तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड वहाँ बनते हैं। इसके अलावा तेल शोधन के जो कारखाने हैं तेल शोधन वाले, उनसे भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो जब ये वायुमंडल के अंदर एनओ2 गैस की मात्रा घट जाती है तो ये वायुमंडल की नमी या जलवाष्प की क्रिया करती है और HNO3 अम्ल का निर्माण कर देती है। ये तीन कारण हैं मुख्य अम्लीय वर्षा के। पहला कारण एसिड गैस, फिर हमने इसके स्रोत पढ़ लिए। दूसरा कारण एनओ2 गैस, अपने इसके स्रोत पढ़ लिए। ये दोनों ये अम्ल बनाती है, ये भी अम्ल बनाती है। सल्फर के ऑक्साइड या SO2 बनाती है H2SO4 अम्ल और NO2 बनाती है HNO3 अम्ल। तीसरा अमोनिया है, अमोनिया भी अमोनियम सल्फेट बनाती है और अमोनियम सल्फेट से विभिन्न प्रकार के अम्ल बनते हैं। तो ये तीन मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा के, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक आधा और कारण दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त ओजोन में अधिक हाइड्रोकार्बन भी वायुमंडल के अम्लीयता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ओजोन, अपने ओजोन वर्ष के बारे में अलग से टॉपिक है, अलग से अपने वीडियो बनाएंगे कल या परसों एक दो दिन में ओजोन वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है ओजोन गैस होती है O3 जिसका सूत्र है ओजोन गैस का। तो ओजोन गैस जो है वो भी अम्लीय वर्षा का एक कारण बनती है, अम्लीय वर्षा के जो है निर्माण में जो है सहायक कारक के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा आधे जले हुए हाइड्रोकार्बन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने जो यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो वो भी अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। अब अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव है, प्रभाव से पहले एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो अम्लीय वर्षा होती है ये शुष्क में अर्ध दोनों प्रकार की हो सकती है। अम्लीय वर्षा शुष्क भी हो सकती है, आर्द्र भी हो सकती है। शुष्क मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जैसे मनाली है, हिमाचल के अंदर कुल्लू है, तो वहाँ पर मंसूरी है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, सूखी पानी नहीं गिरता, बर्फ गिरती है, तो वो जो है शुष्क बरसात है। ऐसे अम्लीय वर्षा भी हो सकती है, अम्ल जो ऐसे शुष्क रूप में भी गिर सकते हैं और पानी के रूप में भी गिर सकते हैं। हमें अम्लीय वर्षा के प्रभाव, इसके बाद है अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, ये कारण से हमने जो पढ़े अभी तक ये सारे कारण थे। अब है अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं अपने ऊपर। अ
और ये वर्षा के प्रभाव, ठीक है। अब प्रभाव के तरह आप ये जान रखें, हालिया वर्षा का प्रभाव जो है जीवों पर प्रभाव में पड़ता है, ठीक है, और पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हालिया वर्षा का जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है और पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, दोनों पे समान रूप से प्रभाव डालती है अपना। तो अब इसके प्रभाव जो है, एक तो सबसे बड़ा ये प्रभाव है कि जब ये अम्लीय वर्षा बरसात के रूप में जमीन पर गिरती है तो वनस्पति जो होती है वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो जला देता है, ठीक है। दूसरा प्रभाव इसका ये है कि जो जीव जंतु है, जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु जो है उनकी त्वचा जलने लगती है, त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग जो है होने लग जाते हैं। तीसरा प्रभाव, जो संगमरमर से बनी हुई इमारती है वो अम्ल जब उनके ऊपर गिरता है तो उनकी जो सुंदरता है या उनका जो सफेदी है संगमरमर की, वो क्या हो रही है, पीली पड़ती है, धीरे धीरे खराब हो रही है अम्लीय वर्षा के कारण। मतलब ये इमारतों को भी खराब कर देती है, जीव जंतुओं को भी खराब करती है और पौधों को भी खराब करती है। जो जलीय स्रोत होते हैं, जलीय स्रोत के अंदर जब अम्लीय वर्षा गिरेगी, अम्ल वाला पानी गिरेगा तो जल स्रोत खराब हो जाएगा, उसमें एसिड बन जाएंगे, तो उसके अंदर जो जलीय जीव है वो जीव भी मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा बहुत ही भयंकर है, कहने का मतलब सभी चीजों को ये प्रभावित करती है। अब वनों, नदियों, खेतों, झीलों आदि का संतुलन गड़बड़ा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और मिट्टी से एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जस्ता, लोहा आदि धातुओं का अंतर्दाह से हानि अधिक होती है। मतलब जमीन के अंदर जो धातुएं हैं उन पे भी अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, जस्ता है, लोहा है, इन जो धातुएं हैं जमीन के अंदर उनको भी ये प्रभाव डालती है। और पृथ्वी पर अगर ये धातुएं हैं तो उनके ऊपर जब ये बरसात गिरेगी तो उन पे भी अपना प्रभाव डालेगी। अम्लीय वर्षा से झील, तालाब, नदियों का पानी अम्लीय हो जाएगा, ये आपको मैंने बता दिया है। फिर जो जीव है जलीय उनकी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब जब उन जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी तो वो जलीय जीव जो है उस पानी, जिस पानी के अंदर से, वो पानी को भी खराब कर देंगे, उसके साथ जो वनस्पति थी उसको भी बुरी तरह से प्रभावित कर देंगे, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आ जाएगा। इसके बाद है, अब झीलों के अंदर जल स्रोतों के अंदर जब अम्लीय वर्षा गिरती है तो आदर जमाव से एल्यूमिनियम, कैडियम, पारा जैसे धातु मिट्टी के जल में भूगत झीलों या चश्मों में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जमाव होने लगता है एसिड का, ठीक है, एसिड के जो है जमाव बिंदु बन जाते हैं जल स्रोतों के अंदर, तो वहां पर जो है बहुत ही भयंकर स्थिति इसके कारण पैदा हो जाती है और बहुत ही पारिस्थितिक तंत्र के जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है इसका। अम्ल वर्षा से एक दिन में मछलियां आदि जीवों का नाश होता है, महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों की क्षति हो जाती है, मछलियां वगैरह जलीय जीव को मरते हैं, पानी के अंदर अम्लीय वर्षा गिरेगी, आपको बता दिया। अम्लीय वर्षा से मौलिक चक्रण गतिबंद हो जाती है, जैव रासायनिक चक्रण, जैसे मतलब अपने कह सकते हैं कि साइकिल चलते हैं, जैसे कार्बन चक्कर होता है, नाइट्रोजन चक्कर होता है, ऑक्सीजन चक्कर होता है, जल चक्कर होता है, ये साइकिल होते हैं, अवसादी चक्कर भी होते हैं, कार्बन चक्कर जैसे सल्फर चक्कर, तो ये अपने पढ़ेंगे एनवायरमेंट के अंदर ही, तो ये चक्कर जो है इनकी गति भी मंद पड़ जाती है, साइकिल जो है ये धीमे पड़ जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों को नुकसान इसका झेलना पड़ता है। अम्लीय वर्षा के कारण समस्या पैदा होती है। अम्लीय वर्षा से मिट्टी में बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु धीरे धीरे एक्टिव और शांत हो जाते हैं। अब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरेगी तो ध्वनि, सॉरी, मृदा प्रदूषण होगा, मिट्टी के अंदर जो लाभदायक जीव है जो उपजाऊ पर बढ़ाते हैं मिट्टी का, जैसे केंचुआ है, किसान मित्र कहते हैं जिसको, तो ऐसे जो हानिकारक, सॉरी, लाभकारी जीव है या जीवाणु है जो मृदा के अंदर, वो भी क्या रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने से उत्पादन क्षमता जो है वो घट जाएगी, उत्पादन कम होगा, किसान को भी क्या करेंगे, इससे प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जो जल है इसके जमाव से
ये निर्माण सामग्री विशेषकर भूरा बलुआ चूना पत्थर संगमरमर लोहा गिलट पर आक्रमण करता है और इन सबको पत्थर कैंसर हो जाता है। मतलब जितने भी प्रकार के जो कीमती है ना महत्वपूर्ण इमारती पत्थर है, ठीक है, जैसे संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, पत्थर है, फिर बलुआ है, और फिर लोहा है या और गिलट है, इसके ऊपर जब ये एसिड गिरता है तो ये पत्थर जो है इनकी सुंदरता, इनकी जो चमक है वो खराब हो जाती है। इसको पत्थर कैंसर भी कहते हैं। मतलब पत्थर कैंसर, जब पत्थरों के ऊपर जो महत्वपूर्ण है इमारतों में यूज होते हैं उनके ऊपर एसिड गिरता है तो पत्थरों की जो चमक है वो हो जाती खराब, ऊपर हो जाते खराब, इसको कहते हैं पत्थर कैंसर। तो पत्थर कैंसर का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण पत्थर कैंसर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यदि जमाव गैसीय होता है तो पौधों और पेड़ों के मतलब अम्लीय वर्षा का जमाव अगर बर्फ के रूप में हो जाए तो ये इसका प्रभाव था पत्थर कैंसर। अगर जमाव गैसीय होता है अम्लीय वर्षा का तो पौधों और पेड़ों को प्रत्यक्ष हानि पहुंचती है, धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ती है, उनका रंग उड़ता है। भी अम्लीय वर्षा हुई, अब उस अम्लीय वर्षा वाले पानी की भाप बन गई तो वाष्प के रूप में या गैसों के रूप में वायुमंडल के अंदर अम्लीय वर्षा है तो पेड़ पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, झड़ने लग जाएंगी, धीरे धीरे उनका रंग उड़ जाएगा, पत्तियों में परिणहरित क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्लोर के लिए जिसके कारण पौधे अपने भोजन बनाते हैं वो नष्ट हो जाएगा, तो जिससे जो है पौधे धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखानों का स्पष्ट प्रभाव ताजमहल और कृष्ण मंदिर पर देखा गया। मथुरा जो है उसके अंदर लगे हुए तेल शोधक कारखाने लगे हुए हैं, ठीक है, उसका जो प्रभाव है तेल शोधक कारखाने लगे हैं तो उनसे क्या निकल गई है? सल्फर निकल गई है, मरकर निकल गया, उससे जो गैसी है अम्लीय वर्षा बन गई है और वो उसके जो आसपास के क्षेत्र के जो जैसे ताजमहल है महत्वपूर्ण इमारत और कृष्ण मंदिर है उसको जो है उसकी सुंदरता को खराब कर रहे हैं, उसकी जो पत्थर है उसकी चमक को खराब कर रहे हैं। ये अम्लीय वर्षा के जो थे आपको मैंने प्रभाव बता दिए। अब बच गया अम्लीय वर्षा का नियंत्रण। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसका बच गया, चार नंबर है अम्लीय वर्षा का नियंत्रण। मतलब अम्लीय वर्षा जो है इसका अपने नियंत्रण, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने क्या उपाय कर सकते हैं कि अम्लीय वर्षा कम हो, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं जो अपने कर सकते हैं। एक तो अगर जो है नदियों झीलों तालाबों का जल अम्लीय हो गया है तो उसके अंदर चूना डाल करके इस अम्ल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक जो है कुछ नदियों में चूना डालकर अम्लों के प्रभाव को कम करने में वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की है। नदियों झीलों तालाबों के अंदर पानी जब अम्लीय हो जाए तो चूना डालते हैं, चूना डालने से उनकी अम्लीयता कम होती है। इसके अलावा खेत के अंदर अगर अम्लीयता बढ़ जाए, किसान जो है उसके खेत में जब अम्लीयता बढ़ जाए, अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो किसान खेत के अंदर भी चूना डालता है अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए। मान लो अम्लीयता साथ हुई, खेत में अम्लों की मात्रा बढ़ गई तो किसान उस पर चूना डाल करके मिट्टी के अंदर अम्लों के प्रभाव को कम कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, जीपी का क्वेश्चन भी है, खेतों में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर किसान किसका उपयोग करते हैं? चूने का उपयोग करते हैं, चूने का उपयोग करके कम किया जा सकता है। चूने का उपयोग जो है ये महंगा पड़ता है, चूना महंगा है, इसलिए सभी किसान इसका उपयोग अच्छे से नहीं कर सकते। इसके अलावा अम्ल प्रदूषण को अपेक्षाकृत कम करने के लिए मुख्य उपाय जो गैसें थी SO2 गैस NO2 गैस इनके जो स्रोत हैं उनको अपने कम करें। मतलब डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो है उच्च गुणवत्ता वाले इंजन वाले वाहन का उपयोग करें और कम से कम वाहनों का उपयोग करें ताकि उससे धुआं कम निकले, है ना। कोयले को जलाएं तो कम मात्रा में जलाएं, अगर आवश्यक है तो ऐसे सेंसर स्थापित किए जाएं जिनसे जो SO2 निकल गैसें निकलेंगी वो उसको नष्ट कर दें। तो इस प्रकार के उपाय करके भी अपने इसको कम कर सकते हैं अम्लीय वर्षा को। तो ये इसके अंदर दिया हुआ है जो हानिकारक गैसें हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रो ऑक्साइड है, अर्धन हाइड्रोकार्बन है, इनको प्रभावी यौगिकों में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ से SO2 गैसें निकल रही है वहाँ पर ऐसे सेंसर स्थापित करने चाहिए जो इन हानिकारक गैसों को प्रभावहीन गैसों के अंदर कन्वर्ट कर दे, मतलब बदल दे, तो उसको भी अपने कंट्रोल अम्लीय वर्षा को कर सकते हैं।
मोटर वाहनों में थ्री मार्ग उत्प्रेरक परिवर्तन करने चाहिए। मोटर वाहन जो चलते हैं, जो वाहन चलते हैं डीजल पेट्रोल से या गैस से जिससे हानिकारक धुआं निकलता है, तो उसमें एक उत्प्रेरक थ्री मार्ग उत्प्रेरक मतलब एक उपकरण ही कह लो आप, सेंसर कह लो, सेंसर सॉरी उपकरण लगा सकते हैं जो फिर उसे जो निकलेगा हानिकारक धुआं SO2 वाला उसको क्या करेंगे प्रभावहीन कर देंगे, उसको जो है नष्ट कर देंगे उसके प्रभाव को। तो इस प्रकार अम्लीय वर्षा को हमें रोका जा सकता है। इसके अलावा अम्लीकृत जल राशि में चूना डाला या आपको मैंने बता दिया कि चूना डालकर भी इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। मुख्य अम्लीय वर्षा को रोकने का एक उपाय है जिन जिन स्रोतों से SO2 और NO2 गैस निकलती है उन स्रोतों को अपने कम से कम यूज करना चाहिए। अगर आवश्यक है तो जहाँ जहाँ से SO2 और NO2 गैस निकलती है वहाँ पर ऐसे सेंसर लगाए जाने चाहिए, ऐसे उपकरण लगाए जाने चाहिए जो उन गैसों को प्रभावित गैसों में कन्वर्ट कर सके। तो ये अम्लीय वर्षा थी कंप्लीट टॉपिक अपना। आप इस क्वेश्चन से देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत लगे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज ये टॉपिक कंप्लीट है, कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।